दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट और वेलकम टू गुजरात इंडिया। हेलो जी, नमस्ते। हेलो दोस्तों, मैं फॉरेन में था, अचानक से कैसे आ गया यहाँ पे। यार मैं खास करके इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने के लिए ही आया हूँ। ये ऐतिहासिक मैच यहाँ पे होने वाला है और काफी सालों के बाद हो रहा है। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की बात क्या कहानी होती है आप लोग तो जानते ही है। मुझे ये मिस नहीं करना था। और इसके बाद जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री मैंने घूमा इस बार वो वीडियोस आएंगे। फिलहाल आप लोग ये मैच एंजॉय करिए, वर्ल्ड कप का, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दोस्तों इधर मिलिए मेरे कुछ दोस्तों से। हेलो जी, हम जा रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और टिकट के लिए थैंक यू सो मच जिगी जी को और भाई जी को भी। मेरे जो दोस्त बने थे वो चले गए यार, वो बी ब्लॉक में बैठेंगे और मैं जी में। नाइस, जीतेगा भाई, जीतेगा। मेरा कोई दोस्त ही नहीं है अभी तक। तो भाई हर एक माल 100 रुपए वाला चश्मा ले लिया मैंने। भाई कोई ऐसा नहीं है जो अकेले यहाँ पर मैच देखने के लिए आया हो, सब कोई अपने दोस्तों यारों के साथ आए हुए हैं। कम से कम एक दोस्त उनके साथ में तो है ही। मेरा दोस्त रवि मेरे साथ आने वाला था यार, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। वो वेलोर चला गया था, उनकी मम्मी का तबीयत सही नहीं था, तो इस वजह से। क्यूट बच्चे यार, जरूर जीतेगा बच्चे। दोस्तों ये जो भीड़ भाड़ देख रहे हैं आप लोग, ये सिर्फ एक नंबर के लिए है यार, गेट नंबर एक के लिए इतना भीड़ भाड़ है। चांदो चांदो, ये भैया हमारे रोहित शर्मा जी के है। सच में यार त्योहार ही है क्रिकेट, हमारे देश का बहुत बड़ा त्योहार भाई। वर्ल्ड कप मैच चल रहा हो यार, और वो भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जो नॉर्मल मैच होते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वो इतना हाई प्रोफाइल होता है, ये तो वर्ल्ड कप के मैच है भाई, और मैं इस मैच में शामिल होने वाला हूँ। तो भाई फाइनली सारा प्रोसेस हो गया इधर में, और अभी एंट्री होने वाली है स्टेडियम के अंदर में। मैच चल रहा है दोस्तों, ऑलरेडी 15-17 ओवर हो चुके हैं, 2 विकेट गिर चुका, और अभी मैं जा रहा हूँ। भाई मैच चल रहा है अंदर में और काफी मात्रा में भीड़ बाहर में है, इधर उधर टहल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये दोस्तों खचाखच भरा है भाई स्टेडियम, और काफी लोग बाहर हैं, वरना एक भी सीट खाली नहीं दिखता। ये रिजवान है और ये बाबर आजम। पाकिस्तान के कोई सपोर्टर नहीं है दोस्तों, उनको वीजा ही नहीं मिला यार। जो बहुत VVIP हैं उनको तो कैसे कैसे वीजा मिल गया होगा, उनके पास डुअल सिटीजनशिप हो किसी दूसरे कंट्री का तो शायद। इधर देखिए कैमरा लगा हुआ है, हर कोने में ऐसा कैमरा लगा होता है, और छोटे छोटे कैमरा तो पास पास में, लेकिन ऐसे बड़े बड़े कैमरे अलग अलग कोने में। ये दोनों खिलाड़ी तो जम गए यार, ये बाबर आजम और रिजवान। ये अलग ही मजा होता है यार स्टेडियम से लाइव मैच देखने का। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि टीवी पे ज्यादा मजा आता है, आता है यार, लेकिन स्टेडियम पे यार एक अलग ही मजा है सही में। जो खिलाड़ी अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं, जिनको पूरी दुनिया टीवी पे देखती है, आप उन्हें लाइव सामने देखते हैं। लाइव वेव बन रहा है।
विकेट पे विकेट भाई, अब इफ्तिकार की बारी। ये भाई बुमराह की बॉलिंग देख लो आप लोग, बुमराह को सम्मान देना पड़ता है। बेहतरीन मैच भाई, बेहतरीन। ओ भाई बुमराह ने बड़ा शिकार किया रिजवान को। एक और गए रे, शादाब खान भी गया। ये सिराज इधर फील्डिंग करने के लिए आए कि दोस्तों, सूर्य देवता के जाने का समय हो चुका है आज के लिए। चलो थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी, काफी गर्मी लग रहा है यार। शुभमन गिल, इधर रविंद्र जडेजा की बॉलिंग। यार जडेजा बॉलिंग करने के लिए आए थे, जल्दी जल्दी फेंक के अपना ओवर खत्म कर दिए। टीवी पे हम देखते हैं, एड दिखाते हैं, उसमें सब मिला के लगता है फास्ट तो करते हैं जल्दी जल्दी बॉल, लेकिन यहाँ स्टेडियम में आप देखेंगे तो और भी फास्ट लगेगा कि यार ये अभी तो आए थे, छह बॉल कैसे फेंक गए। बल्लेबाज को सोचने का मौका भी नहीं मिलता। हार्दिक पांड्या, एक और गया दोस्तों। सूर्य देवता के साथ साथ पाकिस्तान टीम चली जाएगी अभी अंदर। 200 के अंदर खत्म होगा लगता है मैच यार। भाई एक और गया यार, मैं बोला ना सूर्य देवता के जाने के साथ साथ पाकिस्तान की पूरी टीम भी चली जाएगी पवेलियन के अंदर। जनता पागल है, कोहली वहां पे फील्डिंग करते हैं शॉर्ट में ही, लेकिन अभी आए हुए हैं किनारे में। अच्छा हुआ जी ब्लॉक में बैठा दोस्तों, मैं सनसेट का नज़ारा देख पा रहा हूँ स्टेडियम के अंदर से। इरफान पठान, दूसरी इनिंग शुरू होने वाली है, पानी भी पी लूंगा, सबसे बैठा हूँ तो बैठा। इधर टॉयलेट वगैरह है दोस्तों, हो गया है वैसे काम। ये पानी बोतल भी ले लिया मैं, जो कि 100 रुपये के एक पानी बोतल है यहाँ स्टेडियम के अंदर में। फ्री वाला पानी ख़त्म हो गया है और मैं जा रहा हूँ वापस से, शुरू हो गया है मैच यार। क्राउड को सुनिए आप लोग बाहर से, मुझे तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, अरे जल्दी पहुँचने दो। फिर से स्वागत है यहाँ स्टेडियम में। समाजी के लड़के अभी आप देखो शुभमन गिल का तड़कता भड़कता शॉट। अरे यार आउट हो गया यार शुभमन गिल भाई। प्रिंस गया तो किंग की एंट्री भाई।
स्पिनर को लेके आए हैं अभी पाकिस्तान के टेस्ट में। मोहम्मद नवाज की बॉलिंग, रोहित शर्मा की बैटिंग। स्टेडियम में लाइट्स कहाँ लगे हैं आप देखिए दोस्तों, इसमें ही। गुस्सा गया अभी दर्शक, पाकिस्तानी जो बॉलर है थ्रो कर रहा था जोर से। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, 1,32,000 सीटिंग कैपेसिटी वाला स्टेडियम है। मुझे लगता है 1,20,000 के आसपास क्राउड तो होंगे आज। यार जोरदार सिक्स यार, वीडियो नहीं कर पाया, मजा आ गया देख के। मुझे तो शतक का उम्मीद था लेकिन कोई बात नहीं, वेल प्लेड। खेल राहुल बाबर आजम समझाते हुए आप भी दिखो कि ऐसे ऐसे बॉल करो और अब कुछ नहीं होने वाला भाई। चांस पे खेल रहे हैं, अर्धशतक होने वाला है भाई अभी, और टीम इंडिया जीतने वाली थी। ये भाई लगा अर्धशतक और हम जीत गए।
75 शतक पूरा हुआ श्रेयस अय्यर का और साथ ही टीम इंडिया की जीत, आप सभी को बधाई। लोगों को प्राउड करने का मौका मिला एक बार फिर से दोस्तों, बहुत बहुत प्यार, रिस्पेक्ट और बहुत बधाई टीम इंडिया, इंडियन क्रिकेट टीम, हमें आपके ऊपर सच में बहुत गर्व है यार, बहुत अच्छा खेले। आतिशबाजी में कभी नहीं दोस्तों, सच में इतना आतिशबाजी हो रहा है कि पूरा स्टेडियम धुआं धुआं हो गया। ये भाई मैन ऑफ द मैच आज के जसप्रीत बुमराह, खत्म होने के बाद सब वापस जा रहे हैं दोस्तों, सुरक्षा के अच्छे इंतजाम है, इधर एनडीआरएफ की टीम, यार भीड़ भाड़ ऐसे है लेकिन मजा आ रहा है सच में। अब यार 1,00,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ है, सबको निकलना है, ऐसा तो माहौल बनेगा ही, लेकिन अच्छे गाना गाते गाते निकल रहे हैं। आ,